the proper custody, that will depend upon the facts and circumstances of each case. Okay, whose custody will be considered proper custody? For example, if there is a will in the custody of the sub-registrar, right? The proper custody, a registrar or sub-registrar is supposed to have custody of a testament. आप चाहें तो अपने वसीयत को रजिस्ट्रार के पास कस्टडी में रख सकते हैं. लॉ में लिखा हुआ है, किया जा सकता है, राइट. अगर कोई डॉक्यूमेंट, जैसे आपने मॉर्टगेज किया प्रॉपर्टी को, तो टाइटल डीड्स आपने बैंक के पास जमा किए, तो जो बैंकर है उसके पास आपके टाइटल डीड्स निकले, प्रॉपर कस्टडी, राइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टाइटल डीड उसी के पास होना चाहिए जिसने मॉर्टगेज किया हुआ, तो ये प्रॉपर कस्टडी. लेकिन आपका टाइटल डीड मिल रहा है आपके मोहल्ले में रहने वाले रामेश्वर तिवारी के पास, राइट. और कोई भी ऐसा एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं है जो शो करता हो कि मरने वाले रामेश्वर तिवारी को अपना ट्रस्टी नियुक्त किया था, एग्जीक्यूटर ऑफ विल नियुक्त किया था. कोई गवाही नहीं, कोई एविडेंस नहीं, तो फिर तो शक होता है ना कि हाउ कम अ विल इज इन द कस्टडी ऑफ अ स्ट्रेंजर. रामेश्वर तिवारी तो स्ट्रेंजर ही हो गया ना. या तो कोई ऐसा और डॉक्यूमेंट हमारे पास लाओ जिसे कि लगे कि जो टेस्टेटर है, जिसने ये विल बनाया है, उसने रामेश्वर तिवारी को ट्रस्टी भी अपॉइंट किया था, या उसने रामेश्वर तिवारी को एग्जीक्यूटर ऑफ द विल अपॉइंट किया था. एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया था तो एग्जीक्यूटर के पास वसीयत का टाइटल प्रॉपर है, उसकी कस्टडी को प्रॉपर मानेंगे. भाई मैंने तुम्हें अपॉइंट किया कि मेरी इस वसीयत को एग्जीक्यूट तुम करो, राइट. मेरे जाने के बाद तुम देखना कि जिस तरह से मैंने वसीयत में फॉर्मूला बनाया है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे तो आपकी अपॉइंटमेंट मैंने की होगी ना एज एन एग्जीक्यूटर, राइट. तो आप डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट आपकी कस्टडी को प्रॉपर कस्टडी मानेगी. तो यू हैव टू शो टू द कोर्ट कि जिसकी कस्टडी में वो डॉक्यूमेंट है जो 30 साल पुराना है, वो प्रॉपर कस्टडी, ही इज ऑथराइज्ड टू हैव कस्टडी ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, राइट. लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि जो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट है और जो कस्टोडियन ऑफ डॉक्यूमेंट है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फादर की अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स उनके बच्चों में से किसी एक के पास है, तो वो प्रॉपर कस्टडी मानी जा सकती है. उनकी वाइफ के पास है तो प्रॉपर कस्टडी मानी जा सकती है. लेकिन ऑफिस में काम करने वाले उनके कुलीग के पास थी, ये प्रॉपर कस्टडी नहीं. अब ये प्रॉपर कस्टडी तो तभी माना जाएगा जब कोई एक और सबूत आए शो करने के लिए कि कुलीग को ही इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ प्रॉपर्टी अपॉइंट किया था, कुलीग को इन्होंने अपना ट्रस्टी अपॉइंट किया था, कुलीग को इन्होंने अपना एग्जीक्यूटर ऑफ विल अपॉइंट किया था, तो फिर प्रॉपर कस्टडी आती. अदरवाइज ऑफिस के कुलीग के पास घर के डॉक्यूमेंट्स क्यों है भाई? इट साउंड्स अनयूजुअल, इट इज स्ट्रेंज. So we have to see what is proper custody, and that will depend upon the facts and circumstances. I cannot give you a formula. I have given you examples. Whose custody will be proper custody? अब आपके marksheets वगैरह admission के time में आपने इसे जमा कराया किसके पास? College के पास, right? College में जमा कराते हैं आप, या तो certified copies जमा कराते हैं, original आपको बाद में वापस सर्टिफाइड या अटेस्टेड, मार्कशीट का अटेस्टेड कॉपी आपने जमा कराया. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल को 30 इयर्स लेटर आपके इन्हीं सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है किसी केस में. ओरिजिनल शायद खो चुका, या जिसका था अब इस दुनिया में वही नहीं, पता नहीं ओरिजिनल्स कहां गए, क्योंकि इस दुनिया में किसी की मौत के बाद अक्सर ऐसा होता है कि उसकी चीजें जो है पहले किसी वीआईपी में डाली जाती, फिर धीरे धीरे घर में बहू आती है, ठीक है ना, बहू से पोते पोतियां होते हैं, फिर वो अटैची किसी और कमरे में चली जाती है, और जाते जाते एक दिन किसी को लगता है कि ये कबाड़ है, राइट. लेकिन फिर एक केस में इसकी जरूरत पड़ जाती है,
क्योंकि दादा तो दादा है, जिंदगी में वो आप भूल भी जाएं लेकिन वो कहीं ना कहीं हॉन्ट करेंगे आपको। तो वैसे ही किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई प्रॉपर्टी को लेकर, राइट, अब प्रॉपर्टी का राइट वो सब कुछ जरूरी हो गया, तो दादा के कुछ सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, कुछ है नहीं क्योंकि मम्मी ने बेच दी है सारी कबाड़ में, ठीक है। ये असली हुआ है वही सुना रहा, उसमें दादा के बेचारे की पीएचडी की थीसिस तक बेच दी इन लोगों ने। ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन करें भी क्या, लोग दादा ने बड़ी हवेली बनाई थी, उनसे मेंटेन हुई नहीं, बच्चे निकम्मे हो गए, व्हाइट वॉश तक कराने की औकात उनकी थी नहीं, तो उन्होंने उसको बेचकर 2 BHK 3 BHK खरीद लिया है, राइट। एक्चुअली इट सो हैपेंड, आई शुड नॉट बी टेलिंग दिस स्टोरी इन माय चैम्बर, आई स्कोल्डेड वन पर्सन, एक आदमी को बुरी तरह से डांटा मैंने, वो ये कह रहा था कि पता नहीं दादाजी ने क्या बना के रखा हुआ है, क्या जरूरत है 1000 घर की कोठी बनाने में, आजकल चूना भी नहीं होता सर। मैंने कहा दादा को क्या पता कि कोटा निकम्मा निकलेगा, दादा तो खुद पहुंचा हुआ आदमी से हवेली बना, उसको लगा कि बेटा और भी कुछ बनाए, उनको क्या पता कि दादा का बेच बेच के तुम खाओगे, रहा नहीं गया, आई हैड टू से, ठीक है। तो जरूरत पड़ गई दादा के सर्टिफिकेट की, पता चला दादा तो पढ़े थे प्रेसिडेंसी कॉलेज से, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से गए और वो सर्टिफिकेट अगर होगा उनके पास तो क्या वो प्रॉपर कस्टडी मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी, यूनिवर्सिटी के पास होते हैं रिकॉर्ड्स और 100 साल पुराने रिकॉर्ड्स होते हैं यूनिवर्सिटी के पास, सो दैट इज अ प्रॉपर कस्टडी। आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स की कस्टडी यूनिवर्सिटी के पास नहीं तो और कहां होगी, दैट इज द बेस्ट कस्टडी, उसके पास तो मोस्ट प्रॉपर कस्टडी है। आई होप दैट इज क्लियर, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर कस्टडी। तो दूसरा पॉइंट है प्रॉपर कस्टडी, कोर्ट को लगना चाहिए कि जिसकी कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट था वो सही कस्टडी था, ऐसे के पास कस्टडी होनी चाहिए। द कोर्ट मे प्रेज्यूम, अगर ऊपर की 2 शर्तें पूरी हो गई तो कोर्ट मे प्रेज्यूम दैट द सिग्नेचर एंड एवरी अदर पार्ट ऑफ सच डॉक्यूमेंट विच इज इन द हैंड राइटिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन इज इन दैट पर्सन हैंड राइटिंग। तो कोर्ट क्या क्या प्रेज्यूम करेगा, पहला कि जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था सिग्नेचर उसी का है, दूसरा कि अगर वो हैंड राइटिंग में है तो जिस व्यक्ति ने साइन किया हैंड राइटिंग भी उसी किया, यानी कि द होल डॉक्यूमेंट वॉज रिटन इन हिज हैंड राइट इज इन दैट पर्सन हैंड राइटिंग एंड इन द केस ऑफ अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड और अटेस्टेड दैट इट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड। कोर्ट ये भी प्रज्यूम करेगा कि इट वॉज, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि अगर वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स अटेस्टेशन तो वो अटेस्टेड होना चाहिए एट दैट टाइम। उस समय का लॉ अगर अटेस्टेशन रिक्वायर करता था और अगर अटेस्टेड है तो कोर्ट ये भी अब प्रेज्यूम कर लेगा कि इट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड, इसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुई थी राइट, और उन लोगों ने ही एग्जीक्यूट की थी जिनके नाम है, आई गेटिंग माय पॉइंट, और उन लोगों ने ही अटेस्ट किया था जिनके नाम है गवाहों में, मतलब अटेस्टर्स जिनके नाम है प्रेज्यूम किया जाएगा उन्होंने ही अटेस्ट किया था, मतलब झूठा नहीं अटेस्टेशन, जिसका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया हुआ है हैंडराइटिंग उसी की है सिग्नेचर उसी का है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एंड इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन में कोई शक करने जैसी बात नहीं, इट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड। आई होप दैट इज क्लियर, लेट मी टेल यू देयर इज नो प्रेजम्पशन एज टू द वेरासिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि उस डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट है, जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो सच है राइट, इसकी प्रेजम्पशन नहीं की जाएगी, इसको तो प्रूव करना पड़ेगा राइट। लेकिन डॉक्यूमेंट जिसके कि सारे पार्ट सही मान लिए गए हैं और यहां पे अदर पार्ट्स में ना कंटेंट नहीं आता है, अदर पार्ट्स मतलब अदर टेक्निकल पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के दूसरे टेक्निकल पार्ट्स हैं जैसे कि अटेस्टेशन, नीचे में पार्टी का सिग्नेचर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, द प्लेस वेयर द स्टैम्प पेपर वॉज परचेज्ड, अटेस्टेशन, प्रॉपर स्टैंपिंग, ये सब ना टेक्निकल पार्ट्स हैं एक डॉक्यूमेंट के,
इसकी प्रेजम्पशन की जाएगी. आई होप दैट इज क्लियर. इट विल बी प्रेज्यूम इट वॉज ड्यूली एग्जीक्यूटेड. तो इतने प्रेजम्पशन से ये भी प्रेजम्पशन हो जाता है कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है. सो ऑब्वियसली दिस प्रेजम्पशन इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू चैलेंज द वेरासिटी और ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट has to rebut all these presumptions also. But let me tell you again, this section does not enable the court to presume as to the authenticity or veracity of the content of the document. Content ki baat is section mein nahi ho rahi. Right, to kya kya presume hoga, aap samajh gaye na? What all things will be presumed here? Have you understood this? Parts mein todna kitna aasan hai, dekh rahe ho. Even if it is a complex sentence, it can be easily broken into parts. Explanation mein dekh lijiye. Documents are said to be in proper custody if they are in the place in which and under the care of the person with whom they should naturally be. So obviously, right, if the registrar has the copy of the will, it is a natural place where the will can be found, right? If it is with the executor of the will, most naturally a will has to be found with the executor only, right? यही मैंने आपको बताया कि proper custody decide करेंगे कैसे, कि आप देखेंगे किसके पास वो custody है, फिर आप देखेंगे कि क्या वो आदमी है जो naturally इस तरह के documents को अपनी custody में रखता है या जिसे रखना चाहिए. अगर है तो इसे proper custody मानेगी, ठीक है. बट नो कस्टडी इज इम्प्रॉपर इफ इट इज प्रूव टू हैव हैड अ लेजिटिमेट ओरिजिन और इफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस आर सच एज टू रेंडर सच ओरिजिन एज प्रोबेबल, राइट. जनरली होता क्या है कि जब कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने आता है, द फर्स्ट थिंग दैट द कोर्ट वॉन्ट्स टू फाइंड आउट इज दैट वेदर द डॉक्यूमेंट हैज अ लेजिटिमेट ओरिजिन और नॉट. इफ द कोर्ट हैज इफ द कोर्ट बिलीव्स that the document has a legitimate origin, matlab ye document jo originate hua wahi se hua jahan se hona chahiye tha, right? Are you getting my point? Wherever this originated, kahin se to ye document shuru hua hoga, pehla koi aadmi jisne ise execute kiya hoga, wahan agar legitimacy hai to mana jayega ki abhi jiske paas ye document hai wo bhi iska legitimate custodian hi hai. Are you getting my point? मतलब ये एक फैक्टर है जो कोर्ट कंसिडर करेगा एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग वेदर द कस्टडी इज प्रॉपर और नॉट. इफ इट इज फाउंड दैट द डॉक्यूमेंट हैज अ लेजिटिमेट ओरिजिन, राइट, मींस इट वाज मेड बाय द पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू मेक इट, नंबर वन. नंबर टू, इट वाज मेड फॉर एनी लीगल ऑब्जेक्टिव, नॉट फॉर एनी इलीगल पर्पस, राइट. तो हम कहेंगे इट हैज अ लेजिटिमेट ओरिजिन. इफ अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय समवन हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू डू सो, देन द डॉक्यूमेंट डजंट हैव अ लेजिटिमेट ओरिजिन. तो लेजिटिमेट ओरिजिन एक फैक्टर है जो कोर्ट कंसिडर करता है एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग प्रॉपर कस्टडी. तो जैसे तुम अगर लेकर आए मेरे पास कि सर दिस इज इन माई कस्टडी, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लोर करूंगा कि डज द डॉक्यूमेंट हैव अ लेजिटिमेट ओरिजिन, राइट. प्लस इफ देयर इज एनी अदर थिंग दैट कैन बी ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड, तो मैं डिसाइड कर लूंगा प्रॉपर ओरिजिन है. और प्रॉपर कस्टडी के लिए हम, तो खैर कॉमन सेंस लगा के पता चल जाएगा वेदर देयर इज प्रॉपर कस्टडी और नॉट, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट the document 30-year-old. और मिलता जुलता है 90A, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है. वेयर एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड परपोर्टिंग और प्रूफ टू बी, यहां पे परपोर्टिंग टू बी 5-year-old, मतलब डेट उस पर 5-year-old है, या अब साबित ही हो गया कि वो 5-year-old है, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एनी कस्टडी विच द कोर्ट कंसिडर्स प्रॉपर, मतलब वो प्रॉपर कस्टडी में है. It is in proper custody. The court may presume that the electronic signature, जो उस पर किया हुआ है,
was so affected by that person जिसका वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, राइट, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम। तो बस यही एक प्रिजम्पशन की जाएगी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उम्र उसकी 5 साल या उससे ज्यादा, और वो प्रॉपर कस्टडी में है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी तो कस्टडी में होते हैं ना, आपके कई रिकॉर्ड जो MCD में है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड जो ये डिटेल्स है ना MCD के पास, उनके अब कंप्यूटर में है, ये सब डॉक्यूमेंट में भी है, और तो वो क्या है, प्रॉपर कस्टडी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपैलिटी में जो ये रिकॉर्ड है वो प्रॉपर कस्टडी, ठीक है। तो वहां से और वहां की सर्टिफिकेट से अगर प्रोड्यूस किया जाए तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इस पर जिसका भी सिग्नेचर है, डिजिटल सिग्नेचर, ये उसी ने साइन किया है। मतलब कोर्ट हैज नो रीजन टू बिलीव कि किसी ने मेरा डिजिटल सिग्नेचर साइन कर दिया है, यानी कि डिजिटल फोर्जरी ऑफ सिग्नेचर भी। कोर्ट ऐसा क्यों प्रिज्यूम करेगा उस पर, अगर डिजिटल, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर जो होता है ना, इट हैज यूनिक नंबर्स, जो सिर्फ मुझे मिला है तो मेरा ही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये किसी और का नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिजिटल सिग्नेचर ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट द सिग्नेचर वाज माइन। आई होप दैट इज क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में एक ही प्रिजम्पशन की जाएगी, क्या, कि जिसका सिग्नेचर है उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट भी उसी ने किया है, ठीक, उसी का ये सिग्नेचर है। और अगर वो कहता है कि नो माय लॉर्डशिप, किसी ने मेरा सिग्नेचर हैक कर लिया, फोर्ज किया है, तो आई हैव टू प्रूव दैट, अदरवाइज देयर इज अ प्रिजम्पशन। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स 5 ईयर ओल्ड में प्रिजम्पशन सिर्फ एक है, और जबकि डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड में प्रिजम्पशन, आपने देखा कितने प्रिजम्पशन से, कौन कौन से, जस्ट रिकैपिटुलेट, फिर उसके बाद हम IPC शुरू करते हैं। कितने प्रिजम्पशन थे, और डॉक्यूमेंट विच इज 30 ईयर ओल्ड, नंबर वन जिसका सिग्नेचर है उसी ने एग्जीक्यूट किया है, उसी का सिग्नेचर है, नंबर टू इफ इट इज इन हैंडराइटिंग ऑफ द पर्सन जिसने भी एग्जीक्यूट किया, माना जाएगा उसी की हैंडराइटिंग है, नंबर थ्री अगर तो द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स अटेस्टेशन एंड इट इज अटेस्टेड, then due execution be, that it was duly executed as the law requires, कि वो जैसे execute होना चाहिए, registration act में जैसे बताया, TPA में जैसे बताया कि ऐसे execute करो document, तो वैसे ही हुआ है, साबित नहीं करना पड़ेगा कि this was duly executed, मान लिया जाएगा it was duly executed, I hope that is clear। ये सारे presumptions किए जाएंगे, जबकि electronic records के लिए एक ही presumption है, digital signature का, बस only one presumption, that is related to digital signature। So Indian Penal Code, in the last class we had started our study of section 34, right? I hope you remember all the previous sections, theek hai। So section 34, it gives you the concept of joint liability, and sometimes even the Supreme Court has called it a vicarious liability, but the most appropriate expression would be joint liability, right? And how does section 34 operate? Let me tell you, section 34 is not an offense in itself, अपने आप में ये कोई ऑफेंस नहीं है, अपने आप में ये कोई चार्ज नहीं, दिस इज नॉट अ चार्ज। ऐसा नहीं हो सकता कि FIR में सिर्फ सेक्शन 34 IPC लिखा हुआ, कोई दूसरा ऑफेंस होगा लिखा हुआ, राइट, उसके साथ तो हम हमेशा लिखेंगे, जैसे कि सेक्शन 302 रेड विथ सेक्शन 34, रेड विथ, ठीक है। तो क्या काम करता है सेक्शन 34? सेक्शन 34
डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्रिमिनल लायबिलिटी जो ग्रुप के एक मेंबर पे है, वही वाली पूरी लायबिलिटी ग्रुप के दूसरे मेंबर पे लाने का काम करता है सेक्शन 34। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इवन इफ एन एक्ट इज डन बाय वन मेंबर ऑफ द ग्रुप, इफ एन एक्ट इज डन, कैन यू डू द सेम फेवर फॉर मी? ग्लास है वहां पे, वहां पे ग्लास नहीं होगा, ग्लास तो रहने दो, लीव इट। ठीक है, मैं ये करा रहा हूं। ठीक है, तो खैर सुन लेते हैं। सेक्शन 34 क्या करता है? ग्रुप के एक मेंबर ने क्राइम किया, मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल एक्ट उसी ने किए, बट यू आर ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, और आपने भी पार्टिसिपेट किया, देयर शुड बी पार्टिसिपेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पार्टिसिपेशन बाई सम ओवर्ट एक्ट और बाई सम कोवर्ट एक्ट, ओवर्ट भी और कोवर्ट भी। ओवर्ट मीन्स an act which is apparent, an act which is visible that can be seen, and covert is which is not visible, right? लेकिन कोई एक act ऐसा हो जिसे कि हम participation का नाम दे सकें। एक होता है कि I simply accompanied you, मैं बस आपके साथ गया, या वहां पर park में देखा यह सब हो रहा है तो मैं वहीं खड़ा हो गया। तो merely by standing there I do not partake of your criminal liability, but I will partake of your criminal liability when I participate in the act that you are doing with common intention. Right? Our intentions are same. Sometimes members of a group may divide their labor. Ho sakta hai aisa? Kisi bhi group ke member apna labor divide kar sakte hai na? Right? Hum char log hain. तो डिवाइड कर लिया कि तुम में से दो अंदर जाओगे, एक बाहर खड़ा रहेगा और एक थोड़ी दूरी पर गाड़ी लेके रहेगा कि जैसे ही उसे सिग्नल हो वो गाड़ी गेट पे लाए और सब उस गाड़ी में रखकर भागे। तो एक तो बल्कि दूर है थोड़ा, he is a little afar, right? In a car, ready to take the car to the gate, right? As soon as robbery is over. But he is not at the spot, exactly at the spot वो नहीं, but he is doing some act, right? कार चलाने का काम तो कर ही रहा है, कार गेट तक ले जाने और वहां से उनको कार से भगाने का एक्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड तो है ही, right? तो some overt act has been done, और वो overt act यहाँ पे क्या है? Ready with the car. Another person who is standing guard at the gate, right, जो बाहर गार्ड बन के खड़ा है, he is also doing. Sir, connection बहुत unstable है sir आज. बहुत ज़्यादा unstable है. हाँ sir, आधी चीज़ तो मतलब समझ ही नहीं आ. मैं एक बार वो चेंज करता हूँ और मैं रिपीट करूँगा. I am changing the connection, or फिर I will repeat what I have said. Thank you, sir. I have changed the connection. I have taken another connection now. Let me see if it works. Now, can you hear me? अब आप सब मुझे सुन सकते हैं properly. तो मैं section 34 के बारे में ये कह रहा था कि the underlying principle of section 34 is joint liability. Section 34 एक काम करता है और वो ये कि अगर ग्रुप में चार मेंबर्स हैं
और ग्रुप में एक मेंबर ने रॉबरी की है, बाकी मेंबर बाहर खड़े होकर गार्ड कर रहे थे या कोई कार लेकर तैयार था, तो सबने अपने अपने तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर किया है, श्रम का विभाजन हुआ है, द लेबर हैज बीन डिवाइडेड, वन पर्सन इज रेडी विद द कार, अनदर पर्सन इज स्टैंडिंग गार्ड एट द गेट, अनदर पर्सन गोज इनसाइड द हाउस, राइट, प्रिपेयर्ड विद अ डेडली वेपन ऑल्सो, दैट रॉबरी के अलावा अगर मर्डर करना पड़े तो वो भी करेंगे। तो वही जो थर्ड पर्सन है, रॉबरी की उसी ने, ट्रेसपास उसी ने की और मर्डर भी उसी ने किया, लेकिन ये सारे चार्जेस सब पे लगेंगे, वो गाड़ी में बैठा हुआ उस पे भी, राइट, व्हाई, बिकॉज ही पार्टिसिपेटेड इन इट विथ कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन की वजह से और उसकी पार्टिसिपेशन की वजह से, तो सेक्शन 34 बेसिकली ये कहता है कि अगर आप पार्टिसिपेट करते हो बाय डूइंग सम एक्स वाई जेड एक्ट, राइट, विच इफ इंडिपेंडेंटली सीन इज नॉट अ क्राइम, एक्स एक्ट लाइक कीपिंग अ कार आउटसाइड इज नॉट अ क्राइम, राइट, ड्राइविंग अ कार इज नॉट अ क्राइम, स्टैंडिंग आउटसाइड अ हाउस इज नॉट अ क्राइम, इफ यू सी दैट इंडिपेंडेंटली, राइट, इसे स्टैंड अलोन करके, इसे आइसोलेट करके बस एक एक्ट देखो कि वो कहां था, बाहर खड़ा था, अपने आप में क्या ये क्राइम है, राइट, लेकिन इसका सी के साथ जो थर्ड पर्सन, उसके साथ कॉमन इंटेंशन था और कॉमन इंटेंशन के साथ साथ पार्टिसिपेशन था बाय डूइंग क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल एक्ट। यू वन कैन पार्टिसिपेट बाय डूइंग अ क्रिमिनल एक्ट आल्सो, राइट, क्रिमिनल एक्ट करके भी पार्टिसिपेट किया जा सकता था और नॉन दिखने वाला क्रिमिनल एक्ट करके भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट, ऑल दैट मैटर्स इज दैट यू हैड कॉमन इंटेंशन एंड सम पार्टिसिपेशन। इफ देयर इज पार्टिसिपेशन बाय डूइंग एन एक्ट, और यहां पर एक्ट का मतलब ओमिशन भी हो सकता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तीन लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की, राइट, घर में चोरी करने का, उसमें एक आदमी उसी घर का नौकर था, पान की दुकान पर जहां वो जाता था वहां पर उसकी कॉन्स्पिरेसी हो गई ए और बी के साथ, सी इज द सर्वेंट इन द हाउस, ठीक है, और इसने क्या किया, इसने दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो दरवाजा खुला छोड़ देना देखने में ओमिशन लगता है लेकिन ये एक्ट है, दिस इज एन एक्ट दैट इट डिड, द सर्वेंट डिड नथिंग एल्स। तो अगर इस एक्ट को इंडिपेंडेंटली देखो तो बस एक लापरवाही सी लगती है कि रात में दरवाजा खुला छोड़ दिया, बस इतना ही लगता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के बाद ये तो साफ है ना कि he has done some overt act which shows that he is participating in the crime and shares common intention with others। तो कॉमन इंटेंशन और पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन कुछ भी, राइट, लीगल एक्ट करके या इलीगल एक्ट करके, किसी भी तरीके से आपका अगर पार्टिसिपेशन प्रूव हो गया और कॉमन इंटेंशन प्रूव हो गया, तो फिर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 34 जो सी ने घर के अंदर जो भी किया है, रॉबरी की, मर्डर की, राइट, कार वाले पे वो सारे चार्जेस लगेंगे एज इफ कि उसने अकेले किया है, यानी कि सब पर सेम चार्ज, राइट, लग गया। तो एक तरह समझ लो कि सेक्शन 34 क्रिमिनल क्लोनिंग कर रहा है, क्रिमिनल का एक क्लोन तैयार कर दे रहा है कि जो रमेश के चार्जेस वही सुरेश के चार्जेस, वही सुधीश के चार्जेस, वही मनोज के चार्जेस, वही रहीम के चार्जेस, सब पार्टिसिपेंट थे उसमें भाई, राइट, मतलब ऐसा सोच लो कि सब क्लोन बन गए क्राइम के, क्राइम की क्लोनिंग, समझ रहे हो ना, सब पे सेम चार्जेस लग जाएंगे। दिस इज व्हाट सेक्शन 34 डज। सो सेक्शन 34 इज एन एग्जांपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, इज दैट क्लियर? बट देन सिंस इन दिस वन पर्सन बिकम्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ अदर्स, राइट, यू मे कॉल इट वाइकेरियस ऑल्सो, बट वाइकेरियस इज नॉट अ सूटेबल वर्ड, लेकिन क्या करूं, कई केसेस में खुद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में वाइकेरियस वर्ड 34 के लिए आ गया है, तो इसलिए कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी के सेक्शंस बताओ आईपीसी में, तो दो सेक्शंस हैं, उनमें से एक ये है,
सेक्शन 34 का, बट इट शुड राइटली बी कॉल्ड ज्वाइंट लाइबिलिटी, सब पे एक जैसी क्रिमिनल लाइबिलिटी है, तो आप इसे क्या बुलाएंगे, ज्वाइंट लाइबिलिटी बुलाएंगे। कॉमन इंटेंशन कहाँ है, दो चीजें बताई ना, कौन सी दो चीजें, प्लस सम पार्टिसिपेशन, वो पार्टिसिपेशन पानी का बोतल देने का भी हो सकता है कि तुम लोग लगे रहो खुदाई में बैंक के दीवारों में, मैं पानी दे रहा हूं ना, नहीं मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा, मैं खाने पीने का चिंता मत करूं भाई की तरफ से, तुम बस लगे रहो ताकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉकर के तक सुरंग बन जाए। तो क्या किया आपने, पार्टिसिपेट तो किया ना, कॉमन इंटेंशन जो उनका हुआ, इंटेंशन आप दोनों का सेम है, बस आपका एक्ट वैसा नहीं, तो कोई बात नहीं, सेक्शन 34 इसी बात के लिए तो है कि मान लेंगे कि जो उसका एक्ट वही तुम्हारा, तुम उसके क्लोन हो गए, यू हैव बिकम हिज क्लोन, जो सी है जो अंदर गए आखिरकार, जिन्होंने चोरी की डकैती की मर्डर किया, राइट, आप उसके क्लोन हैं, आपने भी चोरी की डकैती की मर्डर किया, ठीक है, तो कॉमन इंटेंशन लेकिन प्रूव करना पड़ेगा, हैज टू बी प्रूव। अब इंटेंशन प्रूव करने के लिए एविडेंसेस आप जानते हो, वी हैव ऑलरेडी रेड इंडियन एविडेंस एक्ट, पास्ट कंडक्ट ला सकते हो, सबसिक्वेंट कंडक्ट भी ला सकते हो, इंटेंशन वगैरह साबित करना, स्टेट ऑफ माइंड साबित करने के लिए कंडक्ट भी काफी है, इफ यू ब्रिंग कंडक्ट यू कैन रेडिली प्रूव व्हाट माइट हैव बीन द इंटेंशन, सो यू हैव टू प्रूव, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव टू थिंग्स, वन इज कॉमन इंटेंशन एंड द अदर इज पार्टिसिपेशन, एंड पार्टिसिपेशन कैन बी डन बाय एक्ट और ओमिशन, राइट, बाय सम ओवर्ट एक्ट व्हिच इज विजिबल व्हिच इज क्लियर, और बाय सम कोवर्ट एक्ट, कोवर्ट एक्ट से भी आप पार्टिसिपेशन, एक ऐसा एक्ट जो नजर नहीं आ रहा लेकिन उसमें आपका पार्टिसिपेशन है, समहाउ देयर इज योर सपोर्ट, आपका सपोर्ट है, अब जैसे कि आपकी तरफ से अश्योरेंस है कि तुम अगर करके आते हो मेरा फार्म हाउस है वहां छुपे रहना, मतलब एक हाइड आउट का अश्योरेंस मैंने आपको दे दिया है, तो गिविंग अश्योरेंस ऑफ अ हाइड आउट इज नॉट एन ओवर्ट एक्ट, इसमें आप खुद कुछ कर नहीं रहे, नहीं बाहर गार्ड बनना, गाड़ी का ड्राइवर बनना, आप कुछ कर नहीं रहे, चोरी की गाड़ी लाके इनको देना, पिस्तौल सप्लाई करवाना, ये सब कुछ एक्ट था, यहां पर एक्चुअली देखा जाए तो देर इज नो फिजिकल एक्ट, देर इज एन अश्योरेंस, डोंट वरी, सक्सेसफुल बनो, विजयी भवा, और मेरा लोनावला में है फार्म हाउस या मड आईलैंड में, राइट, जहां कोई आता जाता नहीं वहां तुम चले जाओ, तो ये क्या है, ये कैसा एक्ट है, कोवर्ट एक्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, तो आप कोवर्ट एक्ट भी करते हैं तो पार्टिसिपेशन साबित हो जाती है, लेकिन अब एक नई बात पैदा होती है, अ न्यू थिंग दैट अराइजेस, कि क्या सेक्शन 34 लगाने के लिए फिजिकल प्रेजेंस एट द स्पॉट रिक्वायर्ड है, राइट, इज फिजिकल प्रेजेंस एट द स्पॉट रिक्वायर्ड, जनरल रूल तो है कि हाँ, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ऑफेंस, अब जैसे ऑफेंस फिजिकल वायलेंस का है, मारपीट का, फिजिकल अटैक का है अगर ऑफेंस, ठीक है, तो उम्मीद की जाती है कि फिजिकल प्रेजेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि वायलेंस वाले जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उसमें दूर रह के मैं वायलेंस कैसे कर सकता हूं, बट नाउ दैट द टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड, राइट, टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो गई है कि मैं 100 किलोमीटर दूर एक लैब में बैठा हुआ किसी बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी कैमरों को हैक करता हूं और मेरा साथी उसके अंदर जाता और मैं उसे गाइड करता हूं कि लेफ्ट जाओ राइट जाओ रुक जाओ गार्ड आ गया पिलर के नीचे छुप जाओ, पूरी वर्चुअल गाइडेंस मेरी चल रही, राइट, 100 किलोमीटर दूर बैठा हुआ, दिस इज माय वर्चुअल प्रेजेंस देयर, सो नाउडेज फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट इंसिस्टेड,
even virtual presence is sufficient, I can participate in the commission of a crime by doing any part of the whole job virtually also. If not physically, then virtually also. Are you getting my point? So virtual presence par ab to khair Supreme Court ka landmark judgment hai is par to, there is no doubt about it. लेकिन जनरल रूल ये है कि फिजिकल प्रेजेंस एक्सपेक्ट किया जाता है, राइट? फिजिकल प्रेजेंस अगर हो तो अच्छी बात है, वो साबित अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया. लेकिन इफ फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, इट डज नॉट मीन दैट सेक्शन 34 इज एक्सक्लूडेड. नो, सेक्शन 34 कैन स्टिल बी एप्लीकेबल. All you have to do is to prove only two things: common intention and participation. If it is a participation while remaining far away from the place, right, that is still going to bring you within the context of section 34. So all that matters is participation. I hope that is clear. So ye ek overview tha section 34 ka. तो हम सेक्शन 34 अपने आप में चार्ज नहीं, ये चार्ज क्लोन करता है, ये चार्ज की क्लोनिंग करता है. तो मान लो कि जैसे तीन लोग हैं, मेरी कहानी में तीन लोग थे, ए बी सी. ए ड्राइविंग द कार, बी स्टैंडिंग गार्ड, सी गोज इनसाइड विथ अ डेडली वेपन, रॉब्स द इनमेट्स ऑफ द हाउस एंड मेक्स अ मर्डरस असॉल्ट ऑल्सो. तो मर्डरस असॉल्ट भी हो गया. उसके बाद सी आता है, सब गाड़ी में हंसी खुशी निकल जाते हैं. अब जब सब पकड़े जाएंगे तो सी पे तो सीधे लगा 302 का चार्ज रॉबरी वगैरह का, और ए का जब चार्ज पढ़ा जाएगा तो 302 रेड विथ 34. सी के लिए सिर्फ 302 रहेगा. जब सी का चार्ज फ्रेम होगा तो जज क्या लिखेंगे? सी के लिए 302, लेकिन बी के लिए 302 रेड विथ 34. ए के लिए 302 रेड विथ 34. तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी समझ गए ना. जो एक्चुअल परपेट्रेटर है उस पर तो जो चार्ज लगा वो पूरा लिखेंगे. उस पर तो लगा इसलिए क्योंकि वही परपेट्रेटर ऑफ क्राइम है, उसके लिए थोड़ी ना 34 का इस्तेमाल, 34 बाकियों के लिए. इज दैट क्लियर? तो प्रॉपर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज समझ जाओ. ये नहीं कि सब पे 302, सब पे 302 लिखोगे तो वो आंसर इनकरेक्ट है, मतलब पूरी तरह से करेक्ट नहीं. एक पर 302 लगेगा और बाकी दोनों पर 302 रेड विथ, तो ऑब्लिक 34 लिखना पड़ेगा. अब आप कहोगे सर फर्क क्या पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है. फर्क इतना पड़ता है कि देयर कैन बी डिफरेंट पनिशमेंट्स. Are you getting my point? There can be different punishments, right? Keeping in consideration all other factors in the case, the court may award more severe punishment to C in my story than A and B. A and B will also be punished, but the quantum of punishment may be lesser than that in case of C. रीजन, कहीं ना कहीं डिग्री ऑफ सिंफुलनेस ऑफ ए कम है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नो डाउट ही पार्टिसिपेटेड बट ही डिड नॉट डेयर टू गो टू द एक्सटेंट ऑफ डूइंग दिस मच. हु इज मोर डेयर डेविल इन द केस? सी. तो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिटरमाइन करते समय शायद ये एक फैक्टर है जो कोर्ट कंसिडर करे, और इसलिए तीनों के पनिशमेंट्स थोड़े तो डिफरेंट होंगे. आई गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वाई डिस्टिंग्विशिंग द चार्ज इज इंपॉर्टेंट. कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट चार्ज ऑन ए एंड व्हाट विल बी द एग्जैक्ट चार्ज ऑन बी एंड सी. सो दिस वे यू आर गोइंग टू हेल्प योरसेल्फ इन द क्वेश्चन ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ऑल्सो. चार्ज फ्रेमिंग का आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इन बातों का आप ध्यान रखें. राइट. तो अब जैसे आपने मेरे से ये पूछा, तो
ए बी सी जब घर से निकले थे कॉन्स्पिरेसी करके, तो कॉन्स्पिरेसी रॉबरी तक थी, मीन्स देयर वॉज कॉमन इंटेंशन टू कमिट रॉबरी, ठीक है। लेकिन सी जब अंदर गया तो उसने मर्डर भी कर दिया, ही कमिटेड मर्डर ऑल्सो। तो यहां पर ए और बी पे मर्डर का चार्ज भी लगाएं कि ना लगाएं, ये क्वेश्चन है आपका। यहां पर मैं रिकॉर्ड में देखना चाहूंगा कि एविडेंसेस जो हैं, क्या उससे ये पता चल रहा है कि ए और बी को पता था कि सी इज आर्म्ड विथ डेडली वेपन। जब ये निकले तो क्या इन्हें पता था कि डेडली वेपन सी के पास है? अगर हाँ तो ये रीजनेबली फोर्सिएबल था। एंड रिमेम्बर कि अ मैन इज लायबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट विच ही कुड रीजनेबली फोरसी, है ना। तो ये रीजनेबली फोर्सिएबल था कि आप रॉबरी करने जा रहे हैं तो जो कोई भी होगा इनमेट ऑफ द हाउस रेजिस्ट करेगा, और इसके पास गन है तो गन भी यूज होगा, और पॉसिबल है कि वो अपने प्राइवेट डिफेंस में जो इनमेट ऑफ द हाउस है अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी तो वो कुछ कर सकता है, कुछ ऐसा करे कि गोली चल जाए। अब जब है तो चलानी पड़ सकती, मतलब गोली चलेगी, ये रीजनेबली फोर्सिएबल था कि नहीं था? प्लीज टेल मी, तीन लोग रॉबरी करने जाते हैं, रीजनेबली फोर्सिएबल था कि रेजिस्टेंस मिलेगी? अगर घर में इनमेट्स मिले तो विरोध मिलेगा, और विरोध मिलेगा तो मार पिटाई भी हो सकती है, मेरे पे भी अटैक हो सकता है, और मेरे पे अटैक होने पे मैं अपना प्रतिवाद जब करूंगा तो मेरे पास तो बंदूक ही है, मैं गोली चला दूंगा। क्या ये सारी चीजें रीजनेबली फोर्सिएबल थी कि नहीं थी? रीजनेबली फोर्सिएबल थी कि नहीं थी? थी ना। और लुक एट द नेचर ऑफ क्राइम, घर में घुस के यू आर गोइंग टू रॉब, तो ऑल द evidences on record show that A, B, C, all of them could reasonably foresee such an armed encounter या use of arms. तो इसीलिए जो भी probable consequences थे और वो हो गए तो आप सबके लिए liable होंगे। reasonably foresee में मतलब knowledge आ जाता है कि उसका knowledge था कि this pistol is likely to be used in case of resistance, और रॉबरी करने जा रहे हो, कौन प्यार से दे देता है अपना सामान, तो रेजिस्टेंस तो फोर्सिएबल था ना, और बंदूक साथ में हो तो ये भी फोर्सिएबल है कि बंदूक चलेगी, नहीं तो वैसे बंदूक लेके आप जा क्यों रहे थे। नेचर ऑफ ऑफेंस भी देखिए, अब यहीं पे मैं कुछ स्टोरी में चेंज कर, सपोज ए बी सी तीनों घर से निकले, ए और बी को नहीं पता था कि सी ने चुपके से पिस्टल भी रख लिया है, राइट। और अब मर्डर हो जाता है, अब मर्डर हो जाता है, तो फिर सी अकेला लायबल हो सकता है, बाकियों पे सेक्शन 34 की वजह से सिर्फ रॉबरी, राइट। लेकिन इसके लिए जो ए और बी है उनको यह साबित करना पड़ेगा कि देवर अनअवेयर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उन्हें संभव यह साबित करना पड़ेगा पिस्टल था, उन्हें पता ही नहीं, इन द होल एक्सपेडिशन दे वर नॉट अवेयर दैट सी वाज कीपिंग अ पिस्टल विद हिम, राइट। तब जाकर वो बेशक मर्डर चार्ज रेड विद 34 बच जाए, फिर केवल रॉबरी का लगेगा। अच्छा, अब फैक्ट में और चेंज कर देते हैं, ए बी सी तीनों षड्यंत्र करते हैं, रॉबरी के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है। सी जब अंदर जाता है तो उसने देखा कि सामान तो है काफी लूटने लायक, बट देन ही ऑल्सो सीज अ 17 ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ द फैमिली वाज ऑल्सो स्लीपिंग देयर, राइट। एंड ऑल ऑफ अ सडन सम बीस्टली डिजायर अरोज इन हिज हार्ट, राइट, एंड ही रेप दैट गर्ल एट द गन पॉइंट, कीपिंग द फैमिली मेंबर्स और द गर्ल एट द गन पॉइंट, he raped the girl. Now the question is,
that whether the rape now the question is whether the rape charge festooned upon A and B also. Why? Rape is not an act which forms ingredient of robbery. पहले तो ये देख, right? Number one, number two, it is not an act which is considered to be a consequence of robbery. ना ये robbery का परिणाम है, right? और तीसरा